वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में रियलमी एम आई शाओमी जो भी फ़ोन है इसके अंदर अगर आपको जो है हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो ये जो हैंग टच की प्रॉब्लम है आपकी ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी ये जो हैंग टच है ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। तो अभी जो है टच काम नहीं कर रही तो इस सिचुएशन में जो है आपको टू फिंगर का यूज़ करना है। जब आप टू फिंगर का यूज़ करते हैं तो आपकी जो ये टच है ये वर्क करने लगेगी। ये देखें हम टू फिंगर से यूज़ कर रहे हैं तो ये टच प्रॉपर वर्क कर रही है। तो अब हम सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। सेटिंग के अंदर एंटर करने के बाद 8/56 तो ये जो है प्रॉपर। अब हम नीचे जाएंगे डाउन साइड पे तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अब जो है हमें टू फिंगर का यूज़ करना है, टू फिंगर का यूज़ करना है। तो अब हम टू फिंगर का यूज़ करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, इसमें सेलेक्ट करके आपको डबल प्रेस कर देना है, ठीक है। जब आप डबल प्रेस कर देंगे तो यहाँ नीचे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आपको डबल प्रेस कर देना है। जब इस पर डबल प्रेस कर देंगे ऊपर चार ऑप्शन मिलेंगे, जर्नल, विजन, हेयरिंग और फिजिकल, ठीक है। तो आपको जो है विजन वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको सेलेक्ट करके इस पर डबल प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको टॉल बैक वाला, इसको सेलेक्ट करके इस पर डबल प्रेस कर देंगे। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है और इस पर डबल प्रेस कर देंगे, ठीक है। नीचे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है और इस पर डबल प्रेस कर देना, इस पर डबल प्रेस कर देना और ये जो प्रॉब्लम है हैंग टच की ये शॉर्ट आउट होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।